पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा फ्रैंकलिन और अवेंजर्स मिलके रेड लावा टाइटन को फाइनली मार देते हैं। और ये बात जैसे ही आइस टाइटन को पता चलती है तो वो अपने दोस्त रियल टाइटन को बुलाता है। रियल टाइटन आकर सारे के सारे अवेंजर्स और फ्रैंकलिन को डराने की कोशिश करता है और वो उन सबको एक एक करके अलग अलग डायमेंशन में भेज देता है। फिर सारे अवेंजर्स और फ्रैंकलिन मिलकर उन डायमेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन बेहोश हो जाता है। तभी आयरन मैन आके फ्रैंकलिन को बचा लेता है और फिर उसके बाद अवेंजर्स फिर से एक होना स्टार्ट कर देते हैं और येती भी अपने डायमेंशन से बाहर निकल के अर्थ पे वापस आ जाता है। इसी तरह से गॉडज़िला भी वापस से अर्थ पे आ जाता है। उसके बाद किंग गिदोरा और शिन गॉडज़िला को बचाने के लिए अवेंजर्स टीम अप करते हैं और जिससे कि वो आइस टाइटन को हरा पाए। और अब आगे मुझे किसी भी हालत में अपने भाई शिन गॉडज़िला और किंग गिदोरा को बचाना होगा। अरे यार, लेकिन बहुत ही खतरा है उस रियल टाइटन से लड़ने में। ये बात तो सच कह रहा है फ्रैंकलिन, रियल टाइटन से लड़ने में खतरा है, लेकिन हमारा येती कम थोड़ी ना है। चल येती जा और जाकर रियल टाइटन को पीट। उसके बाद हम उससे पता करेंगे कि किंग गॉडज़िला मतलब जो हमारा किंग गिदोरा है और साथ साथ में हमारा भाई जो शिन गॉडज़िला है, उन दोनों को कहां छुपाया गया। बिल्कुल मैं डाटा हूं। अरे गाइस, हमारा जो गॉडज़िला और साथ में हमारा प्यारा शिन गॉडज़िला और किंग गिदोरा दोनों को किडनैप कर लिया गया है। इसीलिए हमारा प्यारा येती हमारे रियल टाइटन को पीटने जा रहा है, जिससे कि उसकी बैंड बजाकर येती पूछ पाए कि असल में हमारा प्यारा शिन गॉडज़िला और किंग गिदोरा है कहां पर। अरे बिल्कुल मैं जा रहा हूं ढूंढने। तो गाइज, हमारे येती की मदद करने के लिए प्लीज कमेंट में येती ओपी लिख दो एक बार। आज भी जिस तरह से आपने हमेशा सपोर्ट किया है, इस तरह से करो, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रियल टाइटन आ चुका है। बहुत हो गया, तू फिर से वापस क्यों आया है? मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ। बता, मेरा दोस्त शिन गॉडज़िला और साथ में किंग गिदोरा कहाँ गया है? वो तो मर गए। हा हा हा, तुम लोग तो डायमेंशन से बाहर निकला है, वो नहीं आ पाएंगे। और गलती से भी तूने उनको बुलाने की कोशिश की तो मैं तुझे ही मार दूंगा। तू नंगा पंगा सा रियल टाइटल, मैं तेरी बैन बढ़ा दूंगा। ये ले और ये ले। क्या बात है गाइस, यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई है। आप सभी को सपोर्ट करना होगा हमें, प्लीज कमेंट में ऑल ओपी लिख दो जल्दी से, जिससे कि हम सब सपोर्ट करें अपने येती को। बिल्कुल गाइस, सपोर्ट करो हमारा टिट्टे की, हम बैंड बना इट रियल टाइटन की। और तुम पिटोगे, मैं पावरफुल हूँ। अच्छा एक ही बात है तो ये ले, देखा गाइस कहते पीटेट को। बहुत हो गया, बच्चे ऐसे नहीं खेलते। ये ले। अरे वाह गाइस, मैंने रियल टाइटन की तो बैंड ही बढ़ा डाली। देखिए कहते उसको पीटिया, अब मेरे टापटेट को मैं टोनी स्टॉक के पार्ट ले जाता हूँ। हाँ बिल्कुल यती, उसको ज्यादा मत पीट, नहीं तो मर भर सकता है वो। जल्दी मेरे पास लेके आ जा, उससे हम पता करेंगे कि असल में उसने हमारे दोस्तों को कहाँ छुपा के रखा है, कौन से डायमंड में छुपा रहा है। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा? बस भाई मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी बात है, ठीक है मैं थमा थकता हूँ। तो ये लो गाइड, हम यहाँ पर रियल टाइटन को लिया है। तुम लोग गलती कर रहा हो, मुझे पकड़ गए। जब मेरे मालिक आइस टाइटन को पता चलेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हम उससे डरते नहीं है, समझे? ऑलरेडी इससे लड़ रहे हैं। अब जल्दी बता असल में हमारा भाई है कहाँ पर। शिन गॉडज़िला किंग गिदोरा वो एक डायमेंशन में फंसे पड़े हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाओगे तुम। मैं जरूर पहुँचाऊंगा, तू मुझे पहुँचाएगा। अब जल्दी जल्दी हमारे येती को पहुंचा। ठीक है मैं पहुंचा रहा हूँ। तो ठीक है गाइड, मैं डाल रहा हूँ। मुझे जाना होगा, अपने दोस्त को बताना होगा। अभी का अभी मुझे भेज रोश में। अले बाप ले का कर ला दू। अरे मैं तुझे भेज रहा हूँ। अले मुझे भेज भी दिया। ध्यान रखना येती अपना प्लीज भाई। तो गाइस हमारा येती चला गया है, बस मैं उम्मीद करता हूँ हमारा येती प्यार से और अच्छी तरह से किंग गिदोरा और शिन गॉडज़िला को ले आए। अले मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अले गाइड, ये दुनिया तो बड़ी खतरनाक है। इस तरह की दुनिया में तो मैं भी फंस गया था, इसलिए मुझे ध्यान से जाकर देखना पड़ेगा। मैं थपकी बैंड बढ़ा दूंगा, अगर मुझे मिले डोट नहीं मिले तो जल्दी जल्दी चलते हैं। अरे कहाँ हो मिले डोट? तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, मिले ठाट तलो। अरे यार कोई भी नहीं ढूंढ रहा मिली तो। अरे ये लहा किंग रहा, वो हो तू यहाँ क्यों आया है? वो हो, अरे कहाँ हो गया तुझे? वो कर रहा है तू? ये बता शिन गॉडज़िला कहाँ पड़े और ये से तड़प क्यों रहा है तू? अरे मेरे पीछे एक बहुत बड़ा मोल तल पड़ा है। हाँ तू मेरी आवाज को कॉपी कर रहा है? वो मैं क्या करूं, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मशीन गॉड्ज़िला को कैसे बचाऊं। अच्छी बात है, तू चिंता मत कर किंग गिदोरा, मैं उसको बता लूंगा। वो मुझे पता है तू हमें बचा लेगा, तू हमारा प्यारा येती है। जल्दी जा और शिन गॉडज़िला को ढूंढ और उस गॉडज़िला को मार जो हमारे पीछे पड़ा है। अरे बिल्कुल गाइस, पता नहीं कितने तलाके गॉडज़िला हैं, कुछ मिले दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन। कोई बात नहीं है, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को पलाम पलाम पलाम। अरे ले 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 ले, ये कहा हो गया? मैं कहाँ पला गया? मुझे अपने दोस्त को ढूंढना होगा। अरे बचाओ मुझे कोई, बचाओ ये मेरे पीछे पड़ गया है। अरे ये थी तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे मैं तुझे बताने आया हूँ, बता कौन तेरे पीठे पड़ गया है, ठीक से बताएगा मुझे। अरे एक गॉडज़िला है, असल में वो गॉडज़िला नहीं है,
गॉडजिला ने का होता है, मतलब वो लड़की गॉडजिला है, मेरे पीछे पड़ गई है, वो मुझसे शादी करना चाहती है, प्लीज मुझे बचा ले, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे ये कहते हो टकता है, कोई लड़की तुझे कैसे पसंद कर सकती है, तू तो बिल्कुल टोटला है। अरे टोटला तो तू है पागल। चल ठीक है, वो मैं उसको बताऊंगा। अरे ये तूने उसका डायलॉग क्यों कर लिया? अरे किटी का भी डायलॉग कॉपी करूं? मेरे साथ आ जा मेरे शिन गॉडजिला। अरे हट मेरे दोस्त से दूर हट लड़की, तू बिल्कुल पागल है, मेरा दोस्त मेरे ठट जाएगा। अरे गाइस ये लड़की तो मुझे भी मानने लगी। चल बाहर में जा बंदर, मैं अपने दोस्त के लेके जा रही हूँ, मैं उससे शादी करूंगी। अरे पागल हो गई का? अरे गाइस ये तो मुझे ही मान लिया, ये ले तुझे ठोलूंगा नहीं। अरे यार बचा ले मुझे इससे, मैं भी इसको पीटता हूँ और तू भी पीट। अरे मैं तुम दोनों को पीटूंगी, अब किसी से शादी नहीं करूंगी, दोनों को मारूंगी। अरे ये कहाँ हो गया है, कैटी गॉडजिला है तू, पग यहाँ से। अरे इसको मैं मार रहा हूँ गाइस, देखिए एक मिनट, ये ले पकड़ो इसको। अरे मारो मारो, इतने मुड़े पीट दिया। अरे मार तो रहा हूँ मैं, तू हुआ हुआ करने से फुर्सत करेगा तो मारेगा इसको। अरे कौन था हुआ हुआ कर दिया, एक बाली तो किया था, हमें जल्दी चलना होगा, हमें थिन गॉडजिला को बताना है। अरे मैं तो शिन गॉडजिला हूँ। अच्छा ठीक है, तू शिन गॉडजिला तो टल मेरे साथ, मैंने उसकी बहन बजा दी। तुम लोग बात बुरे हो, मैं छोड़ूंगी नहीं, अपने बड़े भैया को भेजूंगी। अरे उसका कोई बड़ा भैया भी है, चलो भागो यहाँ से इतने पहले कि उसका कोई बड़ा भैया आ जाए। सही कह रहा है, इतनी ज्यादा बेकार बहन तो भैया कितना बेकार होगा, भागो। अरे बाप रे कहाँ पर गया हमारा किंग जोरा। वो हो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, क्या हो गया शिन गॉडजिला, शादी हो गई? चुप रहे, मेरी टांग मत की संजा, चल निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। अरे जल्दी जल्दी निकलते हैं, फ्रैंकलिन डॉट हमें बुला ले, मैंने अपने दोनों दोस्तों को बता लिया, क्या बात है। अरे अरे मैं तो वापस दुनिया में आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन डॉट कहाँ पर है तू? हाँ जाओ गाइस, आ जाओ हम यहीं पर है, और रियल टाइटन ये भी पड़ा है यहाँ पे। तुम लोगों ने गलत किया, शिन गॉडजिला को बचाना नहीं था। कोई बात नहीं है, बचा लिया तो मरोगे, आइस टाइटन को जैसे पता चलेगा आइस टाइटन तुम सबको मारेगा। अरे यार ये कौन नया नमूना आ गया? अरे इसी ने तो हमें दूसरी दुनिया में भेजा था, वो हो हो इसको जला दो। अरे ये मल्टा ही नहीं है यार, कितना ही पीट लो। बात तुम सह रहे हो ही कह रहे हो गाइस, एक काम करो, रियल टाइटन को इतनी बुरी तरह से दूर फेंक कर मारो कि ये जिंदगी में हमारे पास तक ना पाए। वो हो बस इतनी टी बात, अभी कर ले देता हूँ। हाँ गाइस इसको रियल टाइटन को हम यहाँ से फेंक ही देते हैं, चल हमारी ये थी, इसको भगा यहाँ से, तू ही हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। अरे ठुकलिया फ्रैंकलिन, क्रेडिट कर लिए, ये उठाया अलेट के हिटल्टी के दो हो गए। तू गलती कर रहा है बंदर, छोड़ मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले, अरे क्या बात है, मैंने उसको इतनी धूल फेंका, मरा ही आ गया। चलो ठीक है गाइस, अब बताओ आइस टाइटन को मारना कहते हैं, उसको पटक पटक के मारेंगे, उठा उठा के मारेंगे, समझे तुम? हाँ सही कह रहा है, पहले मुझे रेस्ट लेने दे। अरे ये कहाँ भेज दिया मुझे, मेरे बॉस आइस टाइटन, मेरे बॉस क्या हो गया, कैसे परेशान हो रहा है रियल टाइटन? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, प्लीज मुझे ऊपर बुलाइए, मुझे आपको एक बात बतानी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है आ जाओ ऊपर, बता क्या हुआ। अरे असल में वो फ्रैंकलिन ने ये थी बंदर से मुझे बुलवाया, पिटवाया और जबरदस्ती शिन गॉडजिला और उसके दोस्त किंग गिदोरा का पता निकलवा लिया और उसने फाइनली सबको बचा लिया। नहीं ये कैसे हो सकता है, ये हमेशा बच कैसे जाते हैं? कोई बात नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है, चिथड़ू को बुला के लाओ। अरे वो चिथड़ू तो हमारा दुश्मन है। मेरे पास आइडिया है, उसको जाकर मैन्युपुलेट करो, उसको बताओ कि उसकी आर्मी को अवेंजर्स ने मार दिया। ऐसी बात है, ठीक है मेरे बॉस, तो अब मैं चिथड़ू को पागल बनाऊंगा, उसको बताऊंगा कि अवेंजर्स और फ्रैंकलिन उसके दुश्मन है, उसके बाद चिथड़ू इतना पावरफुल है कि वो अकेला ही उनकी बैंड बजा देगा और हमारे बॉस और हम दुनिया पर राज करेंगे पृथ्वी पर। चिथड़ू कहाँ गया तू? क्या बात है, यहाँ क्यों आया है, निकल यहाँ से। अरे चिथड़ो मेरी बात तो सुन ले, तेरे कम्युनिटी वाले लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, अब बस तुम जैसे तीन चार ही बचे होंगे, सच बता रहा हूँ मैं, बाकियों को अवेंजर्स और बाकी के टाइटन्स मिलके मार रहे हैं। ऐसी बात है क्या, कौन टाइटन? टाइटन तो नहीं है लेकिन हाँ वो मॉन्स्टर हैं और अपने आप को टाइटन क्लेम करते हैं और वो अवेंजर्स के साथ रहते हैं। यकीन नहीं है तो अपने आइलैंड पर जाके पूछ ले, तेरे बारे में वो मार रहे हैं। अभी जाके पूछता हूँ, अगर तूने झूठ बोला रियल टाइटन तो तुझे अभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चित्रो हूँ, जिसने मेरे दोस्तों को मारा वो मेरा दुश्मन और उसको मैं जिंदा खत्म कर दूंगा। अभी के अभी चलता हूँ। मेरे दोस्तों तुम ठीक हो? अरे ये तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अरे मार दिया हमका वो अवेंजर्स और साथ साथ में उस टाइटन्स ने जो मॉन्स्टर हैं, येती था, किंग गिदोरा था और अवेंजर्स थे, फ्रैंकलिन था। ऐसी बात है क्या, अगर ये बात सच है तो अवेंजर्स बचेंगे नहीं और साथ साथ में जो टाइटन खुद को मॉन्स्टर बुलाते हैं या मॉन्स्टर खुद को टाइटन बुलाते हैं, येती या जो भी हो, वो सब के सब मरेंगे। जो मेरे दोस्तों को मारेगा मैं उन्हें मारूंगा।
बिल्कुल जाके बचाओ हमको, हम बस 3-4 बचे बाकी सब मर गए। बिल्कुल मैं भी जा रहा हूँ, मैं चीतड़ू हूँ, सबके चीतड़े उड़ा दूंगा जिसने मेरे दोस्तों से पंगा लिया या मुझे परेशान किया। अभी के अभी जाता हूँ एवेंजर्स के पास। वाह 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 वाह, मजा आ गया, हमने उनका उल्लू बना दिया। वाह वाह वाह, अरे बहुत ही बढ़िया चला थी। यदि देखिए हमने भेष बदल के चित्रों का उल्लू बना दिया, अब चित्रों एवेंजर्स को मारेगा और हमारा बॉस जीत जाएगा। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया बिल्कुल। अब देखते हैं चित्रों कैसे मारता एवेंजर्स को। मैं बस पहुंच गया। एक मिनट गाइस, ये किसकी आवाज आ रही है? अरे ये तो चिचलू की आवाज है। चिचलू इस दुनिया में क्या कर रहा है? ये चित्रू कौन है? ये मेरे वर्ल्ड का है, अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक और खुकाल मॉन्स्टर, यहाँ तक कि इससे बड़े बड़े दानव भी डरते हैं। ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। आज जिस हिसाब से लाया, रख तो रहा है जैसे ये हमसे दुश्मनी कर रहा है, दोस्ती के इरादे से बिल्कुल भी नहीं आया। वो वो वो, मैं सबको मार दूंगा। तुम मुझे मारोगे? तुमने मेरे दोस्तों को मारा और अब तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या हो गया, मैंने कौन से दोस्तों को मार दिया? हाँ बिल्कुल फ्रैंकलिन, तू इनको लीड कर रहा है ना, ये थी। अरे मेरी बात सुन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है चिचलू, मैं तुझे क्यों मारूंगा अकेले दोस्तों को? तू तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त नहीं है बेटा, पर फिर भी मैं तेरी इज्जत करता हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लुक मैं अभी आया। कहाँ जा रहा है? लुक बस आया, मैं तेरे आईलैंड पर जा रहा हूँ। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, इसको जरूर किसी ने शिकाया है। हम चिचलू को क्यों मारेंगे? हमें तो आइस टाइटन को मारना है। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। उधर तो किसी की आवाज आ रही है, कौन है सामने? अरे भाई ये कहाँ पर से आ गया? अम्मा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं समझ गया था तुमने उल्लू बनाया चित्रू का, जिससे कि चित्रू हमसे लड़के हमारी बहन बता दे। ये लो बाहर निकलो। गाइस ये सब इनविजिबल हो गए हैं, जिससे कि ये सोच रहे हैं मैं ये दिखेंगे नहीं, पर मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, ये तो मार रहा है हमको। तब को मालूंगा, तलो मिले ठाट। अब जाकर चिचलू को बताओ कि तुमने धोखा दिया है उठ को। ये ले भाई, इनको मैं पटक पटक के मार रहा हूँ, तलो लेकर चलते हैं। अरे छोड़ दे मुझे, अरे भैया छोड़ दे, मेरी क्या गलती? मुझसे तो आइस टाइटन और रियल टाइटन ने बोला था ये करने के लिए। रियल टाइटन को भी मैं देख लूंगा और आइस टाइटन को भी, पहले तू हमारे साथ चल, अभी के अभी ठमटा तू। ये लोग आइस मैच को लिया। ये कौन है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, तुमने मेरी फैमिली को मारा। अरे अरे सुन तो ले इसकी, अब जल्दी से बता। अरे भाई असल में वो मैं ही था, तेरी फैमिली को मैंने ही मारा और रियल टाइटन ने मिलके, जिससे कि हम उनका भेष लेकर तेरा उल्लू बना सके और अवेंजर्स से तुझे टर्न करा सके, जिससे कि तू अवेंजर्स से लड़े और फायदा आइस टाइटन और रियल टाइटन का हो। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कि असल में तुमने मुझे मारा, लेकिन कोई बात नहीं है, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे छोड़ दे चित्रो, तू बहुत पावरफुल है मेरे लिए, मैं तो बहुत गरीब सा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे भस्म कर दूंगा, मैं अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हूँ। ये ले देखा मैंने इसको कैसे चबा डाला, बेवकूफ कहीं का। आज के बाद अगर मेरी फैमिली पर हाथ उठाया तुझे खत्म कर दूंगा, मेरी फैमिली को तुमने बर्बाद किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा समझे। जल्दी जल्दी चलता हूँ, मेरी पास सुनो एवेंजर्स। हाँ भाई चित्रू बोल। मुझे माफ कर दो गाइस, मैंने तुम पे शक किया। अरे कोई बात नहीं है, वो चाहते ही थे ये करना, कोई बात नहीं, तू आराम से जा और जाकर अपनी फैमिली की मदद कर, वो बीमार है, उन्हें तेरी जरूरत है और हमें तेरी जरूरत पड़ेगी तो हम तुझे बुला लेंगे। बिल्कुल कभी हेल्प चाहिए तो बुलाने में शर्माना मत, मैं जा रहा हूँ अभी। दोस्तों मैं आता हूँ फिर से, अलविदा, मुझे अपनी फैमिली को जाके बचाना होगा, जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये आइस टाइटन बहुत बुरा है, इसको तो बाद में देख लूंगा मैं। सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारी वजह से, मेरा भाई मर गया, ये वाला प्लान भी खराब, तुम लोग बचोगे नहीं। अरे गाइस यस, यही मौका चाहिए था। गाइस आइस टाइटन यहाँ पे आ गया है, चलो सारे हमला कर देते हैं आइस टाइटन पे भी और इसको खत्म करते हैं, क्योंकि अकेला है, तुम बचोगे नहीं। तो गाइस अब नेक्स्ट पार्ट में इसका दी एंड होगा। फाइनली कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखो।